हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की बात करें तो JTO, LICE, BSNL EU और NFTE की मांग है कि 1000 और रिक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CMD BSNL मांग को देखने के लिए सहमत है। दोस्तों आज CMD BSNL के साथ हुई बैठक में कामरेड पी अभिमन्यु GS BSNL EU और कामरेड चंद्रेश्वर सिंह GS NFTE ने JTO LICE के लिए अपर्याप्त रिक्तियों का मुद्दा उठाया। दोस्तों जिसे 7-8-2022 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह दृढ़ता से तर्क दिया गया था कि 30-12-2021 को जारी आदेश के आधार पर 1000 से अधिक JTO को SDEK में पदोन्नतरी किया गया था। दोस्तों BSNL EU और NFTE दोनों ने मांग की है कि इन 1000 रिक्तियों को 7-8-2022 को आयोजित होने वाले JTO LICE के लिए भी शामिल किया जाना चाहिए और दोनों CMD BSNL और निदेशक HR ने उत्तर दिया कि इस मांग को प्रबंधक द्वारा देखा जाएगा। दोस्तों यह हम सुनिश्चित करना जारी रखेंगे, यह स्वीकार किया जाता है। दोस्तों सेकेंड नंबर की बात करें तो KG बोस मेमोरियल ट्रस्ट ऑनलाइन मई दिवस बैठक आयोजन करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 23-4-2022 को ऑनलाइन आयोजित अखिल भारतीय केंद्र की बैठक में इस वर्ष मई दिवस मनाने के बारे में चर्चा की गई। दोस्तों यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी सभी स्थानों पर संघ ध्वज फहराकर मई दिवस मनाया जाए। दोस्तों इसके साथ ही अखिल भारतीय संघ ने एक ऑनलाइन मई दिवस बैठक भी आयोजित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह बैठक केजी बोस मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित की जाएगी। दोस्तों बैठक का विषय मई दिवस और ट्रेड यूनियन आंदोलन से पहले के कार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बैठक 9 बजे शुरू होगी 1-5-2022 को और इसकी अध्यक्षता कामरेड अविनेश मिश्रा अध्यक्ष करेंगे। दोस्तों भाषण कामरेड पी अभिमन्यु महासचिव द्वारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया जाएगा। दोस्तों सभी सर्किल यूनियनों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। दोस्तों थर्ड नंबर की बात करें तो BSNL कारपोरेट कार्यालय एकल पुरुष माता पिता द्वारा CCL का लाभ उठाने के लिए DOP एंड टी पत्र का समर्थन करता है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइल्ड केयर लीव CCL का लाभ केवल महिला कर्मचारी ही ले रही थी। दोस्तों इसके बाद DOP एंड टी ने पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि एकल पुरुष माता पिता भी CCL का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस पत्र का BSNL कारपोरेट कार्यालय द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। BSNL EU ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, अब कारपोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया जिसमें दोस्तों DOP एंड टी पत्र का समर्थन किया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि CCL पर DOP एंड टी के आदेश कारपोरेट कार्यालय के समर्थन के बिना BSNL कर्मचारियों पर स्वचालित रूप से लागू होंगे। दोस्तों फोर्थ नंबर की बात करें तो BSNL EU 31-1-2020 तक मौजूद पदों के साथ गैर कार्यकारियों के JTO LICE और अन्य LICE आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित करता है। दोस्तों आपको बता दें कि JTO LICE में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ BSNL EU ने आज पूरे देश में दोपहर के भोजन के प्रदर्शन का आयोजन किया। दोस्तों यह प्रदर्शन आयोजित किया जाता है इस मांग को उठाते हुए कि गैर कार्यकारियों के JTO LICE और अन्य LICE 31-1-2020 तक मौजूद पदों के साथ आयोजित किए जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया है। दोस्तों CHQ हार्दिक बधाई सभी सर्कल और जिला यूनियनों को देता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।